देसी कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज आपको ऐसे दो शब्दों के बारे में बताने वाले हैं जो कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इनका प्रोनंसिएशन थोड़ा सेम होता है और दिखने में भी लगभग ये सिमिलर ही होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दो ऐसे शब्दों के बारे में, अल्टर एंड अल्टर। ओके, तो यहाँ पर है ए एल टी ए आर और यहाँ पर है ए एल टी ई आर। यहाँ पर आज हम जानेंगे कि अल्टर ए आर और ई आर में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अल्टर ए आर। अल्टर मीन्स होता है ए स्टैंड। अल्टर मीन्स क्या होता है, एक स्टैंड होता है। और प्लेटफॉर्म इन ए चर्च, चर्च पे के बाहर जो प्लेटफॉर्म होता है, या चबूतरा, या किसी भी होली प्लेटफॉर्म जब मंदिर में जाते हैं उसके यहाँ ये देवी देवताओं का जो स्थान होता है, थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म बना होता है, उसे हम अल्टर बोलते हैं, याद रखिए। जैसे हिंदी में कहते हैं हम वेदी, ठीक है ना। तो अल्टर मीन्स होता है ए स्टैंड और प्लेटफॉर्म इन ए चर्च, यानी किसी चर्च में कोई प्लेटफॉर्म या स्टैंड होता है, जैसे कहते हैं अल्टर। एंड ए एल टी ई आर अल्टर, इसका मीन्स होता है, ये क्या है सबसे पहले तो वर्ब, एंड अल्टर मीन्स होता है चेंज। जैसे आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्स में हम अल्टरनेट क्वेश्चंस देते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन देते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि जो वर्ड यहाँ पर यूज हो सकता है इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है, यानी क्या हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अल्टरनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्टर आपकी क्या है, ये है वर्ब, और ये अल्टर क्या है, ये है आपका नाउन। याद रखिए इनका जो प्रोनंसिएशन होता है वो कैसा होता है, इनका प्रोनंसिएशन सिमिलर होता है। दोस्तों, तो कैसा लगा आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।